चुनाव से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कर्नाटक पहुंचे। पीएम पिछले 5 दिनों में 29-30 अप्रैल और 2-3 मई को 12 से ज़्यादा जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं। मोदी ने शुक्रवार को तुमकुरु में 14वीं सभा की। इससे पहले दोपहर में बेलारी में एक जनसभा में उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की। एक बार फिर बजरंगबली के जयकारे के साथ पीएम बोले, कांग्रेस को तो मेरे बजरंगबली बोलने से भी आपत्ति है। प्रधानमंत्री ने केरल स्टोरी फिल्म की भी चर्चा की और कहा, बीते कुछ साल में आतंकवाद का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। आतंकी बम बंदूक और पिस्तौल की बजाय समाज को भीतर से खोखला कर रहे हैं। केरल स्टोरी कुछ ऐसी ही कहानी पर आधारित है। देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने अपने 45 मिनट की स्पीच की शुरुआत बजरंगबली के जयकारे के साथ की और कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वादे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र तालाबंदी और तुष्टिकरण का बंडल है। कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए कानून व्यवस्था सबसे बड़ी जरूरत है। कर्नाटक का आतंकवाद से मुक्त रहना उतना ही जरूरी है। भाजपा हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है, लेकिन जब भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।